तो है फिर दोस्तों हमारे YouTube चैनल MHKS मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों आज हमारे पास एक MI का फ़ोन है जिसमें कि डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें जो है एक्चुअली में लाइट का प्रॉब्लम है, इसमें लाइट नहीं बन पा रहा है। और ये Redmi का फ़ोन है, Redmi Go है। इसमें जो है लेटेस्ट 6 ले की IC जो आप देख पा रहे होंगे, अभी जो लेटेस्ट 6 ले की IC आ रहा है, यही आ रहा है। और इसके बारे में सारा कुछ स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। तो अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है लाइट सेक्शन से रिलेटेड, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख ले। 6 लाइट अभी के डेट में बहुत सारे फ़ोन में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ MI में काम करेगा। जितने भी 6 ले का IC आता है, MI, वीवो, ओप्पो, रियलमी, उसमें ये वर्क करेगा फ्रेंड, ये ट्रिक। और मैं इसमें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा भी इसमें कि कैसे आपको स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आपको लाइट सेक्शन को रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, अगर आप मोबाइल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जो न्यूज़ एंड लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता रहता हूँ, वो आपसे मिस ना हो। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। और मैं जो हूँ आपको ये देखिए MI लिख दिया है, चार्जिंग जैसे लगाया हूँ मैं, बट आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं स्कीमेटिक डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड में काम करूँगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा काम हुआ है और ये जो है कुरियर से हमारे पास सेंड हुआ था, उसी को मैं आपको रिपेयर करके दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम में पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे और लाइट सेक्शन है, ये किस तरह से काम करता है। फर्स्ट पिन किस काम का होता है, सेकेंड पिन, थर्ड पिन, फोर्थ पिन, 5, 6। इसमें जो होता है एक्चुअली में ये 6 ले का IC है। आप यहाँ से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए इसको, ये 6 ले का IC है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसका जो है मेन काम क्या होता है, फर्स्ट का, सेकेंड, थर्ड, किसका क्या काम होता है और कैसे वोल्टेज और इनपुट होता है, कैसे आउटपुट बनता है। और क्या होता है जब आप LCD अगर ना लगाए इसमें तो कैसे ये आउटपुट बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, तो इसका सारा कुछ समझेंगे इसमें और स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू बनेंगे। और उसके बाद आपको इसको समझाने के बाद आपको विथ प्रैक्टिकली दिखाएंगे फ़ोन में कि इसमें एक्चुअली में लाइट कैसे जलता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट अगर बात करें ना, आपको इन आउट इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना होता है, कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। और उसके बाद जो होता है मेन कि डिस्प्ले कनेक्टर पर कितने पिनों का हमारे लिए और लाइट सेक्शन के लिए वर्किंग होता है, काम होता है फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए, 4 पिन यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। एक फर्स्ट जो होता है एनोड, LED का एनोड होता है, सेकेंड का कैथोड होता है, 2 लाइन कैथोड का जाता है, और थर्ड जो है LCD PWM का, जो कि यहाँ से इनपुट जाता है डिस्प्ले से इनपुट। अगर डिस्प्ले आप नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज आउटपुट नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलिए फोन को सबसे पहले आपको क्या करना होगा, LCD एनोड का जो ये देख रहे हैं कोल्ड टेस्टिंग करना होगा। फर्स्ट में कोल्ड टेस्टिंग करेंगे LCD एनोड पे, 473 के अप्रॉक्स आना होगा। और कैथोड पर जब चेक करेंगे 0.002 कैथोड पर यही सेम वोल्टेज दोनों पे आएगा। और बात करें LCD PWM की, तो इस पर भी 0.0L इस तरह का कुछ आएगा इस पर ही वोल्टेज, ठीक है, कोल्ड टेस्टिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सबसे फर्स्ट ये स्टेप आपको करना है और आपको कोल्ड टेस्टिंग यहाँ भी करना होता है। इसके सबसे फर्स्ट तो यही हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ से चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग, यहाँ शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, यहाँ कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई अगर शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगा तो हमें फर्स्ट स्टेप जो उठाना होगा हॉट टेस्टिंग का। अब हॉट टेस्टिंग जो होता है किस प्रकार होता है, फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू। ये जो फर्स्ट पिन होता है हमारा फीडबैक का होता है, FB का होता है फीडबैक का, ठीक है। सेकेंड पिन जो होता है आपको कॉम पोर्ट का, ऐसे कुछ होता है। और ये जो होता है ये कैपेसिटर से इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और थर्ड पिन भी ग्राउंड ही होता है। और चौथा पिन की अगर बात करें तो VPH पावर इस दोनों पे आता है। और थर्ड जो होता है EN सिग्नल का होता है, या तो ये CPU से आ सकता है या PWM मतलब पावर से आ सकता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए मैं स्कीमेटिक डायग्राम में दिखा देता हूँ डायग्राम में क्या ये बोलता है।
अगर फर्स्ट की बात करें एक नंबर पिन की, तो ये देख लीजिए FV मतलब फीडबैक का लाइन है, और इसको ग्राउंड किया हुआ है रजिस्टर देके, ठीक है। और ये कैथोड का लाइन है, ये कैथोड में जा रहा है। फर्स्ट जो पिन FV का होता है वही जो है कैथोड बन जाता है आगे जाके, ठीक है। चलिए मैं आपको डायग्राम में भी एक बाय वन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट पिन एक नंबर का पिन है और ये FV है। यहाँ से ये क्या किया है, ग्राउंड कर दिया यहाँ से एक रजिस्टर देके, ये देख लीजिए, और ये कैथोड आगे जाके बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दो नंबर की पिनों पे, ठीक है। दो नंबर ये देख लीजिए यहाँ पे एक कैपेसिटर हुआ, इसको ग्राउंड कर दिया है। और मैं बता दूं फ्रेंड, अगर ये कैपेसिटर अगर निकाल देते हैं ना तो लाइट आउटपुट इसका नहीं बनेगा, तो इसलिए आपको ये जो है कैपेसिटर इसका मेन ध्यान देना होता है। ये देखिए सबसे फर्स्ट सेकेंड नंबर का पिन जो होता है कॉम, COMP करके आता है, और ये जो है रजिस्टर लगा हुआ है 0.2020 μF का, और ये ग्राउंड किया हुआ है, और इस रजिस्टर को आप कैपेसिटर को नहीं निकाल सकते। थर्ड पिन जो होता है आपको ग्राउंड का होता है, थर्ड पिन ये देख लीजिए, थर्ड और सेवन ये ग्राउंड होता है, थर्ड में ग्राउंड होता है। अब बात करेंगे चौथा पिन का, चौथा पिन SW का होता है, जो कि VPH पावर VIN यहाँ पे लिखा हुआ है, VIN SW, ये जो होता है VPH पावर डायरेक्ट इस पे इन होता है, एक क्वाइल बीच में होता है, उसके बाद इस पे VPH इन होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं पूरा स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए चार और छः नंबर का VPH पावर, ये जो होता है ये BQIC से आता है, PMI से आएगा या BQIC से आएगा। उसके बाद कैपेसिटर, पहले क्वाइल है, उसके बाद नॉर्मल क्वाइल, उसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद बूस्ट क्वाइल यहाँ पे होता है, और ये रेक्टिफायर, ये डायोड होता है, करंट को बूस्ट करने के लिए भी इसका काम आता है, ठीक है। याद रखिए चार नंबर और छः नंबर, ये कैपेसिटर और उसके बाद बूस्ट क्वाइल और ये डायोड, डायोड जो है यहाँ सीरीज में लगा होता है, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट कैसे बनता है ये मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो होता है क्या हॉट टेस्टिंग में, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज आता है, वोल्टेज आने के बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज यहाँ बना हुआ रहता है। जैसे यहाँ से आप LCD को लाइट के दबाने के लिए इन करते हैं, ये जो है PMW EN सिग्नल जो होता है, आप इसमें जो आप देख पा रहेंगे ये पावर IC से आता है, ठीक है। ये PWM आउट, ये मतलब पावर IC से ये आ रहा है। ये देखिए PMI, ठीक है, पावर IC से ये आ रहा है। कुल बात करें इसमें तो सबसे फर्स्ट हमें चेक करना है हॉट टेस्टिंग में, यहाँ पे 4 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 4 वोल्ट। फोन बंद रहे, सबसे फर्स्ट फोन बंद रहे, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पिन में हमें चेक जो करना है यहाँ पे 4 वोल्ट चेक करना, 3.7 से 4.2 VPH पावर बनता है। उसके बाद आपको ये चेक करना है, यहाँ पे कोल्ड टेस्टिंग कर लेना है सारा कुछ। कोल्ड टेस्टिंग के बाद जब हॉट टेस्टिंग करेंगे तो इस पे वोल्टेज चेक करेंगे, इस पे बन रहा है या नहीं बन रहा है, डिस्प्ले का कनेक्टर लगा हुआ हमें चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको चेक करा के भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, इस पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद आपको ये सारा कुछ आपको चेक कर लेना है, सबसे फर्स्ट वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करा के दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस डायोड के इस साइड से वोल्टेज जो आउटपुट होगा वो अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 वोल्ट, 30 40 वोल्ट, 50 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट ये बनता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आउट जब होता है तो, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपको चेक करना होता है कि मेरा जो कंटिन्यूटी यहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा फ्रेंड। तो चलिए मैं इसमें बोर्ड में आपको दिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप करके कैसे आपको काम करना है। तो चलिए मैं आपको बोर्ड में सबसे फर्स्ट दिखाता हूँ, मल्टीमीटर को मैं बीप मोड में रख लिया, और कंटिन्यूटी आपको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोल्ड टेस्टिंग करना होगा सारे सेक्शन में, इतना जितना मेरा दे रहा है सेक्शन, ये है मेरा ये इतना जो मेरा सेक्शन है इस पे हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे और कनेक्टर पर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं, मल्टीमीटर को ग्राउंड पर करते हैं एक रेड प्रोब को, और यहाँ पे कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। सबसे एक नंबर की बात करें तो ये यहाँ पे ग्राउंड दे रहा है, ये देख लीजिए, इसको फीडबैक बोला जाता है फर्स्ट, और ये देख लीजिए, और यहाँ पे रजिस्टर के थ्रू फीडबैक कर रखा है इसको, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे रीडिंग आ रहा है, जो कि आपको सेकेंड पॉइंट जो मैंने बोला था ये वाला रजिस्टर है, ठीक है। इसको आप निकाल नहीं सकते, अगर निकालिएगा तो लाइट इस पर नहीं बनेगा, ये आप देख ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। ऐसा वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पर सबसे फर्स्ट नहीं मिलेगा, ये देखिए
तीन नंबर का पिन जो कि ग्राउंड है, चौथा नंबर पिन जो कि आपको VPH पावर का वोल्टेज, ये देख लीजिए यहाँ भी कोल टेस्टिंग करते हैं, यहाँ के थ्रू यहाँ आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका ट्रैक, इसमें जो टच है कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है मेरा। सबसे फर्स्ट बात करें तो शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे कनेक्टर को चेक करेंगे, एनोड पे। एनोड पे अगर हम जब चेक करते हैं तो यहाँ पे ये देख लीजिए एनोड का कैपेसिटर है, तो यहाँ पे कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है एनोड का। ये देख लीजिए एनोड का ये कैपेसिटर है, इस पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है। यहाँ भी ये देख लीजिए कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है इस पर। इसका मतलब है कि ये एनोड का लाइन जो है हमें लग रहा है ओपन है, ठीक है। उसके बाद कैथोड चेक करते हैं, चौथा तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर ये देख लीजिए कैथोड का लाइन पे बीप आ रहा है, चौथा नंबर जो कि ये देख लीजिए इस पर भी कुछ नहीं आ रहा है, जब हम कनेक्टर लगाएंगे तो ही आएगा इस पर, ठीक है। ये देख लीजिए अभी भी ये ओपन आ रहा है, ठीक है, ओपन आ रहा है इस पर। तो उसके बाद ये सारा ट्रैक मेरा सही है, एनोड ही गलत है मेरा, ठीक है, ओपन है मेरा। तो हम चलिए मैं वोल्टेज आपको चेक करा दे रहा हूँ कि वोल्टेज हमारा यहाँ हो सकता है यहाँ ना आए, तो यहाँ तक तो आएगा। इसका ट्रैक जो है यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। ये देखिए इस पे बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये ट्रैक ओपन है, क्योंकि ये देख लीजिए ये जो है यहाँ तक वोल्टेज नहीं आ रहा। तो कम से कम अगर वोल्टेज बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो आएगा। अगर यहाँ तक वोल्टेज बनता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जम्पर लेंगे, यहाँ मार देंगे, ठीक है। तो मैं चलिए आपको कोल टेस्टिंग कर दिया और हॉट टेस्टिंग अब मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फोन को हम करते हैं ऑन, तो फोन जो है मेरा शायद ऑन हो चुका है, फोन ऑन हो चुका है। और हम फर्स्ट जो है वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे ये देख लीजिए हमें क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट 20 वोल्ट पे ले जाके चेक करना होगा कि वोल्टेज हमारा कितना क्या बन रहा है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट जो है VPH पावर, ये देख लीजिए 3.67 ऐसे कुछ बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है 3.678 ऐसे कुछ बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है। और उसके बाद ये डायोड पर भी चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो ये मेरा आउटपुट बनता है यहाँ से बनता है, इस ये जो है EN सिग्नल होता है, ये देखिए EN सिग्नल भी हमारा बन रहा है 1.8 के करीब आता है, 1.4 भी बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम आउटपुट यहाँ जो बनता है आउटपुट पर हम चेक करते हैं, ये देखिए आउटपुट 20 वोल्ट में नहीं शो करेगा क्योंकि 20 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ आउटपुट मेरा बन रहा है, तो हम 200 वोल्ट पर चेक करेंगे, ठीक है। आउटपुट यहाँ देख लीजिए हमने जैसे यहाँ रखा 4.41, ये देखिए 40.3 वोल्ट कैसे कुछ दिखा रहा है, अप्रोक्सीमेट 40 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब 39 वोल्ट, ये देख लीजिए इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट बन रहा है यहाँ तक, ये देख लीजिए आउटपुट बन रहा है। और यहाँ हम चेक करते हैं कैपेसिटर पे, तो मेरा कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा जो ट्रैक है यही ट्रैक ही ओपन है एनोड का। तो हम लोग क्या करेंगे अभी यहाँ से एक जम्पर यहाँ लेंगे और यहाँ मार के हम चेक करेंगे कि मेरा जो है डिस्प्ले का लाइट बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये जम्पर कर रखा है, मैं आपको अब इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा डिस्प्ले का लाइट जो है बिल्कुल एग्जैक्टली जल चुका है और कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आपको फ़ोन में फिर से आपको चेक कराता हूँ कि ये जो है वोल्टेज एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, उसमें बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए मैं आपको
ये देखिए यहाँ पे 17 वोल्ट दिखा रहा है। अब ये फोन ऑन है एक्चुअली, ये देख लीजिए। सत्रह वोल्ट एग्जैक्ट बना हुआ है यहाँ पे, कोई तरह की दिक्कत और नहीं दिखा रहा हमें, ठीक है। जब डिस्प्ले लाइट जल रहा है तो आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ हमने जम्पर किया है। तो फ्रेंड, मैंने इस वीडियो में बहुत सारा आपको जो जो दिक्कत आती है आप लोगों को, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे इसी से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो आपसे मिस ना हो, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।